लागत था कि आ गए लोग, लड़का वाला बुझाता हमरा। चाचा जी भी तो साथ ही बानी, अब खड़ा खड़ा मैं मुंह का दिखाता रहा, तू जाके देखा ना मैं पांचों बहन लोग कहां बा। अरे अबे हम विवाह के नहीं दिखा सकत, हम के जाए के बा भाई, तो हम का करी के करी रो कोइलनियन करिया बेटी से बियाह। अरे रउवा सब का करी भी रिश्ता से इनकार, हमने अपनी दीदिया का बियाह ऐसे अनपढ़ और जाहिल घर में ना करब। अब भलाई चाहतानी तो यहाँ से निकल जाए। कुमुद के आपन बेटी सुधा बहुते तेज तर्रार और बहादुर लेके बिया कैसो भी करके, अगर हमनी अजितवा और सुधा के बियाह करवा दे तो सुधा अकेले पाचों पर भारी पड़ी। इतनी क्या अपन हुलिया के का बना ले बड़ो लोगी भैया, वो का है कि हमने आज तक पुराना फैशन में जियत रहनी हो, यही से हमने अब मॉडर्न और फैशनेबल बन के रहा। जब देखा खाली उठपटांगी हरकत करत रहे लोग। नौटंकी, अब चलो जल्दी आओ नाश्ता करो। आओ बैठा, तू खा ला भैया, आज हमने के उपवास पा। उपवास काहे के उपवास? शादी के उपवास, आज हमने सभे शादी खातिर उपवास कर ले बानी। अपना शादी खातिर ना, तेरा शादी खातिर। हाँ भैया, हमने प्रण कह ले बानी कि जब तक तू ब्याह खातिर हाँ ना कहबा, हमने अन्न और जल के हाथ भी ना लगाए। भैया, ना तो हम साच कह रहल बानी, हमने अन्न और जल के हाथ भी ना लगाई। अच्छा बाबा, ठीक बा, अब खुश? चल आओ लोग इन बैठा नाश्ता करा। तू कहता ना तो ठीक बा। अरे हम कहानी है ना, हम जो कहे नहीं वो करे नहीं। अब जी छोड़ा लोगी ना, चलो बैठा नाश्ता करा।
सोच के कब तक बताइबा भैया? कहानी है ना, हमरा सोचला तनी समय चाहिए। शादी विवाह के मामला बा, सोच विचार के काम करके पड़ी ना। अब वैसे भी शादी लागो बढ़िया लड़की के भी जरूरत होला। सुधा, तू तो ऐसे कर रहल बाड़ू जैसे हम आपन ससुराल जा रहल मानी। भगवान करे उ दिन जल्दी से आए दीदिया। खूब निमन से परीक्षा दिए। आनंदित रहा। पहुंचने के बाद फोन जरूर करिए। अरे टिफिन ले लू। हाँ माई ले लेने। अच्छा ठीक। अरे बबनी, तोहर माई घर में बाड़ी का? हाँ माई तो घर में बाड़ी। नमस्ते नमस्ते। अरे फिर आगे निरोड़े दोनों व्यक्ति। अरे कल पैसा मिल गई रहे ना रोड़ा सबके। अरे नाना, हमने पैसा मांगे नहीं के आई बानी। हमने के एगो प्रस्ताव लेके आई बानी जा। अगर रउआ ये प्रस्ताव स्वीकार कर ली तो राउर और राउर बेटी के पूरा जीवन सुख में गुजरी। हमने के बैठ के बात कर जाऊ का? आई चली बैठ। जी एकदम ठीक कह रहल बानी हम। अजीत आज के समय में पुनपुन शहर के सबसे बड़ व्यापारी मानल जाला। आपन मकान, आपन दुकान, समाज के बीच मान प्रतिष्ठा, धन दौलत के कौनो कमी नहीं है ओकरा। हाँ अगर रउआ चाही तो हमनी अजीत के ब्याह राउर बेटी संग करवा सकेनी। अरे वो सब तो ठीक है बा, लेकिन रउरा विवाह के देखले बानी नु, और भतीजा ऐसन बढ़हन आदमी भला ई विवाह ऐसन करिया लेकी से काहे बियाह करी हन? आ उनकरा तो एक से एक बढ़िया और सुंदर लड़की मिल जाई। अरे नाना, हमनी अजीत के बियाह विवाह से नहीं, राउर बेटी सुधा से करवावल चाहता नहीं। आपन बिटिया खातिर अजीत जैसन लड़का रउआ अगर चिराग लेके भी ढूंढम डू तब अहियो ना मिली। हाँ और दहेज में एगो रुपया भी ना लगी, काहे से कि अजीत बिना दहेज के ही ब्याह खातिर तैयार बाड़न। एक बात औरी हो, अजीत के घर में खाली पांच गो बहिन बाड़ी सन, धीरे धीरे ओकनी के ब्याह हो जाए, सब अपन ससुराल चल जाए सन। हाँ हे राउर बेटी के ही राज रही, ना केहू बोले वाला ना केहू सुने वाला, राउर बेटी एकलौता राज करी राज। लेकिन का रिश्ता खातिर राउर भतीजा मान जई हन?
कहे से कि हमनी के तो उनकरा हैसियत के आधा भी नहीं खीजा। अरे ओकर चिंता रहुआ मत करी, बस जैसे जैसे हमनी कहत जाए रहुआ वैसे वैसे करत जाए भाई। अरे माफ करी बहन जी, ओ दिन ना जाने रौरा के खीस में हम का का बोल देले रही। वो बात ऐसन बाना कि हम विवाह के बियाह के लेके नु बड़ी परेशान बानी। कोनो बात नहीं खे राउर, परेशानी हमनी के भी परेशानी बा, हमनी चलत बानी। एक बात औरी हो कि अजीत के बहिन सुन के सब बात पता ना चले के चाहे कि ये रिश्ता हमनी दोनों मिलके लगा रहल बानी जा। दरअसल वो बात का बा कि अजीत के पांचों बहिन अपने चाचा से बिल्कुल ना बोले लीन। वो का है कि बड़ा होके के नाते ये समझावत बुझावत रहलन, उन लोग के लगेला कि ये शासन चलावत रहलन। अब कहाँ कहल जाए, पांचों बहिन तो हमरा खातिर बच्चा ही बड़े सन। हाँ ई बात के उ पांचों के पता ना चले कि ई बिया हम नहीं करवा रहल बानी, नहीं तो उ लोग ई बिया ना ही हुए दी हैं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। ना ना ई बात के ना रोरा सब तनी क्यों चिंता मत करी, ई बात के बारे में वो लोग के एकदम ही पता ना चले। तो ठीक बा रउआ, सबे काले आ जाए, अभी चला तनी प्रणाम चली मलकिनी। कहाँ? कलकत्ता? अरे ना राम अवतार भैया, कलकत्ता के लेकी के हमनी क्या करब? शहर का लेकी आई उता उल्टा हमनी के नाच नचावे लगी। रउआ ऐजे आसपास देखी, हाँ हमनी के एकदम सीधी सादी घरेलू लेकी चाही, ज्यादा हाईफाई लेकी ना चली। हाँ रावतार भैया, इतना साल से रउआ बिचौलिया के काम कर रहल बानी, रउआ के तो एक एक घर के नून हल्दी तक पता बा, आधा से ज्यादा पुनपुन के ब्याह रउए करौले हई, तो फिर हमरे भैया खातिर काहे दिल्ली कलकत्ता जा रहल बानी? हाँ बिल्कुल, इहर के कौनो लड़की देखी? हाँ और दो चार दिन में बताई हमरा के। अरे अरे ना ना, भैया के बाद में पहले हमनी के बताई। हाँ हाँ ठीक बा, रख तनी। सुधा, ए सुधा, जल्दी खाना परोस दा, वापस अस्पताल जाए के बा भाई। सुधा नु अभी से कॉलेज से आई नहीं, आज रौरा पसंद के साग और कढ़ी बड़ी बनेले बानी। आई हो दादा, अभी ये बिजुलियों के जाए के रहल हा। रुकी हम आवतनी पंखा लेके। अरे वो दिन हम क्रीम पाउडर लावे खातिर पुनपुन गई रही ना दुलारी मनिहारी सेंटर, ओजे ना बगल में उनकर भतीजा अजीत के दुकान बा, उनका बारे में ना ओजे पता चलल हमरा। हमू सुनले बानी अजीत पुनपुन के सबसे बड़ व्यापारी हा। एकदम सही सुनले बानी रो, अरे ऊ ना बहुत अच्छा गुणी और सुखी संपन्न लड़का बाने, हम ना ओकरा साथे सुधा के बियाह कल चाहतानी।
कैसी बात करत रहो सुधा के माई? बड़ बहन से पहले छोट बहन के ब्याह छोट के ना चक्कर छोड़ दी। अब ये सोची कि कम से कम एक बेटी के तो बोझ माथा पर से हटी। और वैसे भी जवन लड़का वाला आवेला विभा के जगह पर सुधा के पसंद करेला। अरे एक तरह से देखल जा तो सुधा विभा के ब्याह के रास्ता में बहुत बड़हन रोड़ा बाड़ी। अगर सुधा के ब्याह हो जाए तो फिर विभा के जगह कोई सुधा के पसंद ना करे। अब विभा के बिना बेड़ा पार हो जाए। देख सुधा के भाई जौन कुछ भी तू कह रहे बाड़ू एकदम ठीक बा, लेकिन फिर भी ये बात खातिर हमार मन नहीं खे मानत। हम खूब समझ रहल बानी रा और बहाना और रा और मनसा। रौरा तो खाली पहलकी में हरारू के बच्चन से ही प्यार बा। हम और हमार बेटी रौरा नजर में हमेशा दूसरे नंबर पर रही लजा। रौरा कभी हमनी के बारे में ना सोची ला। ये कैसी बात करत रहो सुधा के माई? तू निमन से जाने लो कि हम कभी भी सपना में भी विभा और सुधा के बीच भेदभाव नहीं खेके। तो अब तक करता नहीं ना। अरे सीधा सीधा रोरा काहे नहीं की कह तेरो ना सुधा के ब्याह करवावले नहीं की चाह। घबराई मत रोरा ना करब तो हमर सुधा कुंवारे ना रही है। अभी हमारा नैहर के लोग जिंदा बा। हम अपना भाई के बुलाई वो जब भेज और सारा ब्याह के खर्चा उहे करी है। समझ गई निरोरा? ठीक बा, कब चले के बा? ए जी देखो काम करी ना तो कल ही चली जाना। बेटा अजीत बाबू बड़न का ना भैया तो दुकान गइल बड़न। बताई का काम बा? वो हमनी के बेटा आइल बन जब बगल वाला गांव से तोहरा घरे हमनी के रिश्ता कर चाहता नहीं जा। रिश्ता? हाँ बेटा यही सिलसिला में हमनी के अजीत बाबू से बात करे आइल बानी जा। अंदर आई। बैठी रहो सब हम अभी आवतन। बैठी बैठी ए जी बुझाता अजीत वा घर में नहीं के बोलनी है कि ना काले तो बहुत फैल रहा है। बोले रहे कि घर में रहो। पता ना कोनो काम आ गए होगे तो इसको कम बढ़िया से ना कर सकी नहीं। दीदी 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 बगल के गांव से तहा रिश्ता खातिर दुगो लोग आइल बा। दीदी के रिश्ता खातिर? लेकिन भैया तो हमनी के कुछ बतावले ही नहीं खन। ए रीता तनी भैया के फोन लगा कर पूछता। कौनो जरूरत नहीं के पर ऐसा कौनो बात रहे तो का भैया हमनी के बतावले ना रहतन? अरे वो तो खुदे घर में रहतन। हाँ एक कर मतलब कि ए लोग के कहीं और से पता चलल हुई और ए लोग ऐसे ही मुंह उठा के चल आयल बड़ा। ए रिंज देखे में कैसन बालो? साँच कहत नहीं एकदम भुखड़ और सकल से लगता कि चार दिन से खाना नहीं खे खेले लोग।
घर के ऐसे घूर घूर के देखा था लोग, जैसे कि अभी के अभी हजम कर जाए लोग। अच्छा, एकर मतलब एगो और ठग परिवार आयल बा हमनी के मूर्ख बनावे। चला ए लोग के मजा चखावल जाए। चली ते ई बताई कि रवा कितना कमा लेनी। नइखे बतावे के चाहत आपन कमाई तो मत बताई, लेकिन कम से कम इतना तो बता दी कि रवा के घर में कई गो कोठरी बा, सवेरे नाश्ता में रवा का खाई ले। बस यही से हम रवा कमाई के अंदाजा लगा ले। कहीं नाश्ता में भूजा तो ना फाकी ना? हाँ? अरे गैल भैंसिया पानी में। अरे का भाई, रवा सभी तो कुछ बोलते ही नहीं खे। अरे रिश्ता खातिर आयल बानी ना, बातचीत करी ना। का बबनी, तोरा घर में कौनो बड़ा आदमी नहीं खे का? बड़ छोट से का मतलब? हमका रवा के बड़ नहीं खे लोकत। चला इजा से। अरे बैठी, बिना बातें चीत कहले जा रहल बानी। अरे लड़की भी ना देखब का? लड़की? जी हाँ लड़की है री, अभी पेश करता नहीं। जो दीदी के बुला के ले। सत्यानाश, बाप रे बाप, बुझात आई चुड़ैयन के गलत फहमी हो गई बा। ये सब सोचे तारी सन किसी लोग सितवा के देखे आई बाड़न। हम करी भी तो का करी, हम जाके पता भी तो नहीं सकत। हां, ना देखनी के साख हो जाई कि हम सुजीत कुमार के पहले से जानत रहनी। देख बबनी, हम लड़की ना कैसे देखब, अब आ गइल बानी तो लड़की तो देखे ही के पड़ी। बैठे बैठे छोड़ हमने के, छोड़ हमने के, हम कहतनी छोड़ हमके, छोड़ दा हमके। हम कौन लंगड़ी बानी का कि हमको पकड़ के ले आओ। अरे ये सब साक्षात चुराई बाकी सर। अरे कौन शौक हो ली, निम्न से देख ली हमके। हम कहता नहीं, जल्दी चला यहाँ से। चला। अरे ये लोग तो जा रहल बानी। ठीक समझाता है, हमने जा रहल बानी, लेकिन जाते जाते ये बता देता नहीं हमने ऐजा पे लड़की देखे ना रहनी। हाँ, हमने लड़की वाला है और बहनी के भाई अजीत बाबू के खातिर अपना बेटी के रिश्ता लेके आई रही। बेकार किस्म के लोग हमनी के घर आके जब ना तो तब रिश्ता के नाम पर हमनी के परेशान करत रहेले। अभी कुछ ही दिन पहले एगो बस के खिलासी अपने आप के ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक कह के एजा आयल रहे।
यही से हमनी के लागल हब रउआ सबे भी का करी सन भैया दुकान चल जालन आ हमनी तब घर में अकेले रह जानी यही चीज का फायदा उठा के क्यों ना क्यों हमनी के परेशान करे चलावेला बस वही से बचे खातिर हमनी ऐसा ऐसा रूप धारण कर लेनी प्लीज हमनी के माफ कर दी इन लोग के बात में दम बा अकेली लड़की आखिर का कर सन चला बैठा जाए चाचा जी हमने अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा बानी अब तो हमने के शर्मिंदा कर रहे बाड़ू बेटी रउआ बताओत रहनी हो राउर बेटी बाड़ी का करे लियो कहाँ तक पढ़ले बाड़ी पहले हमरा बेटी के फोटो देख ले अगर पसंद आए तो आगे बात कहिल जाए अरे गोटी फिट हो गए तू का खो गई फोटो दिखाए हमार बिया मारे तो मजाक तो नहीं खो करत अरे ना बुची हम मजाक काहे खातिर करब इस सही बात बा हम और तहर बाबूजी दोनों मिलके गए रहे जल लड़का वाला के घर बार देख सुन के आइल बानी जा माय हम पूछे तानी क्या आखिर सब कहाँ हो रहल बा और ये सब करे से पहले इनसे पूछ लू का है ना और वैसे भी माई बहुत साफ बात ई बा कि आखिर हमार ब्याह कैसे हो सकेला अरे अभी तो विभा दीदी के रिश्ता की कहीं बात भी न तय भइल और फिर बड़ बहनी के घर में कुंवार रहते छोट बहनी का ब्याह कैसे हो सकत ना हम कोनो भी हाल में बियाह ना करब कोनो भी हाल में बियाह ना करब पहले ही घर में विभा दीदी के बियाह होई बस देखा ज्यादा तू छोकराई मत दिखा बात समझा सुधा जब तक तहार बियाह नहीं के हो सकत तब तक विभा के बियाह नहीं के हो सकत काहे कि ओकरा बियाह में सबसे बड़ा नरोड़ा जीवाणु तू ही बाड़ू समझ लू कि ना तोहारी खूबसूरती के आगे विभा का नसीब फीका पड़ जाता कितना कोशिश कर करके हम निकल लड़का वाला के बुलाई ले जा लेकिन ओकरा के जगह पर तहरा पसंद करके चल जाला सन अब तू ही बतावो एकरा में कोई करिए का सकेला सही बात तो ही बा कि जब तक तू ही घर में रहबू तब तक विभा के बियाह हो ही नहीं सकल ऐसे तहार बियाह हो जाए तबे विभा के बियाह हो पाई और हाँ अब तू इस सवाल जवाब रोक तो बंद कर और चुपचाप इस शादी खातिर तैयार हो जा शायद कल ही लड़का वाला लोग आवास लोग तारा के देखे खातिर आही ये बरहम बाबा अब हम का करी हमार तक किस्मत फूट गई बा सोतेला तो सोतेला अब आपन बच्चा भी हमारा समझे खातिर तैयार नहीं क्यों कर तो क्या कहता रू तानी दीदी लड़की तो देखे सुने में खूब सुंदर बुझाती है हाँ और रंग भी बिल्कुल मिल्की वाइट साच कहतनी भैया के संगे इनकर जोड़ी खूब जमी
तुहार महतारी पहला बेर हमरा सामने प्रस्ताव रखली तो हमहू इनकार कर ले रहनी, लेकिन ओकरा बाद फिर हम सोचनी। देखो बेटी, कुमुद के एक बात में तो सच्चाई बा ना, कि जौना भी लड़के वाला आवेलन विवाह के बजाय तोहरा के पसंद कर लेलन, और यही बात तुहू निमन से जानी लेव। ऐसे बेटे का तुहार बिहार पहला हो जाए तो शायद विवाह के भी रास्ता मिल जाए। बेटा, आखिर एक ना एक दिन तो तुहार बिहार भी करे के बा, ऐसा से हम खुद लड़का के घर परिवार देख सुन के आयल रहनी। बहुत बहुत सुखी संपन्न लोग बा बेटे, जहां तरह से भगवान तोहे के रूप रंग देले बाड़न, शायद ही रिश्ता हो जाए। और अगर ये रिश्ता हो गई तोरा रूप रंग के साथ साथ जीवन में धन दौलत और मान सम्मान भी मिली। ऐसे अपन बाबूजी की बात मान ला और ये रिश्ता से इनकार मत कर, शायद शायद यही बहाने से भगवान तहनी दोनों बहन के जीवन में खुशी लिख ले बाहर। का हो रहा भाई साहब? हाँ, अरे हम कहले रहनी ना कि हम सोच के बताए, बिना हमरा से पूछ ले लड़की के फोटो मंगवा ले लो तो नहीं के? खाली फोटो ही ना भैया, बल्कि लड़की के माई बाबूजी हमने से मिलके जा चुकल बाड़े। हाँ, आ कर दर तो नहीं के, अरे एक बार हमरा से पूछे के चाहिए ना भैया। हमने तहरा से पूछ ले बिना कुछ नहीं की करत, हमने कोनो भी बातचीत आके नहीं खे बढ़ोले। अब बातचीत आगे बढ़ाल जाए कि ना, यही बात खातिर हम तहरा से अनुमति मांग रहल बानी। हाँ भैया, मान जाना। और भैया, लड़की तो बहुत खूबसूरत बिया, और उनकर माई बाप तो बहुत ही सीधा और शरीफ बालो। हाँ भैया, हमनी के कम से कम बातचीत तो आगे बढ़ावे के ही चाहिए। अरे हमरा समझे की कोशिश करत हनी के, हम कोनो भी निश्चय नहीं कर पावत। हाँ भैया, तो तू निश्चित कर लेना, आखिर हमनियों के भी तो भाभी चाहिए नू। ठीक बा, जाके पहले चाचा चाची को बुला के ले आओ। लोग के राय लेहल जरूरी बा ना। अरे घोड़ा जाए गुड़दौर करे, गधा संगे लोल। अरे चाचा चाची के बीच में लावे के का जरूरत बा, हमने खुद आपस में बैठ के तय कर सकनी। शादी ब्याह के मामला बा, कोनो गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं खेल। शादी ब्याह के मामले में बर बुजुर्ग के राय लेना जरूरी होला। अरे रीता रिमझिम, जाके देखा तो चाचा चाची लोग बाकी ना घर में। अरे हम कुछ कहानी है, अरे एक बार में ना सुना लगा, जाके बुला ले चाचा चाची के।
हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कहो कुछ पता चले ना कि ओजा का भइल हो? ना जी, वैसे ही पांचों चुड़ैनिया सुजीत और कुमुद के बहुत बढ़िया से आवभगत करके भेजले बाड़ी सर। अब तक तो सब ठीक है बुझाता, लेकिन अजीतवा दुकान से आयल होगी, अब देखल जाए कि उका का था। चाचा भैया रउआ के याद कर रहल बाड़े। काहे हो? पता ना, तारा से हम बाद में बात करते हैं। का चिराग भैया कैसन बाड़? एकदम ठीक। देखो हमरा तुनी दोनों जने से कोनो शिकायत नहीं की, लेकिन ये क्या मतलब है? अजीत भैया अपना अपनी का समझ ले, उनका कुछ काम बात तो खुदे आवे के चाहिए ना, कि बस भेज दिले फरमान कि बोले ले आव। अरे हमारे माई बाबू जी को गाजर मुली बाड़े का? चिराग उनकर चाचा चाची रहन, कौन उनकर दुकान में काम करे वाला नौकर नहीं। अरे बेटा बेटा ये तू का कर रहा वाला? बेटा अजीत अपन खून हवन कोनो पराया नहीं खन। अरे बेचारा दुकान से थकल हारल आइल होई। बाबूजी रहू तो थकल हारल आइल बनी ना। अरे हमार का हा बेटा, हमार दुकान में कोनो ग्राहक के भीड़ भड़ाका थोड़े रहला। हम तो दिन भर बैठ के दुकान पर आराम करत रहनी। वो बेचारा दिन भर काम करेला, अगर मिल ले बोकरा से तो का हो जाए। अरे बेटा देखा, ये छोट छोट बात के दिल से मत लगावा। हम अब ही मिल के अजीत से तुरते आवा तानी। चलाओ चलो बबनी। भैया हमने खुद से लड़की वाले के नाम बुलावे रहनिया, वो लोग अपने मन से हमी के घर आए रहला लोग। हम सही कहता नहीं भैया, पता ना चाचा चाची आके का समझाई बुझाई लोग, या भी तो खाली वह लोग के सुने लन। अजीत बेटा तो भैलो बैठी सब बताओ तनिया। आज जब दुकान पे रहनी है तब कोई लड़की वाला आयल रहा हमारा रिश्ता लेके। खाली जानी ले ना, बल्कि नीमन से पहचानी ले। सुजीत प्रसाद आपन गांव के अस्पताल के कंपाउंडर हवन, आ उनकर मेहरारू कुमुद हमनी के दुकान के परमानेंट ग्राहक बड़ी। अरे हाँ हम तो उनकरा के जाने ली। अजीत बेटा ये लोग बहुत नेक और शरीफ लोग हवन। सुन लेनी ना भैया, आप तो तसल्ली हो गए ना, चाचा चाची ऊ परिवार के निम्मन से जाने लन। हाँ चाचा, जब सब कुछ निम्मन बा तो रघुआ भैया के समझाई न, तब से आना कानी कर रहल बाड़े। आना कानी का है हो? अच्छा हम पहले सोच रहल बानी कि बहन लोग के ब्याह हो जाए, पर अब बाद हम अपना ब्याह के बारे में सोचब, अभी हम ना करें ब्याह। और ये कौन बात भइल? तू कब बुढ़ौती में बियाह करबा? बेटा एखनी के बियाह में तो 10 बरिस तो कम से कम लगिए जाइलू। अरे बेटा तू हमार बात मान, पहले तू बियाह कर, जब बहू घर में आ जाए तो दोनों मियाँ बीवी मिल करके खूब नीमन से अपन जिम्मेदारी उठाइए। हाँ बबुआ, ऐसा निम्न घर परिवार और इतना बढ़िया लड़की बहुत नसीब से मिले ले, पता ना फिर
बढ़िया रिश्ता आई कि ना। अगर हुआ सभी की ये राय बात अब ठीक बा। इन लोगों के साथ रवा दोनों आदमी में जाके लड़की वाले से मिले। ठीक बाजीत बेटा, हमने दोनों जाकर के तहार रिश्ता तय करके आ जाएगी। कब ठीक बना सब इन लोग सबको जाके लड़की वाला के देखा है। चाचा चाची एक नंबर के दुष्ट बाड़े। हमने वो लोग के साथ लड़की के घर कहीं जाए तो हमने के का कर सका तानी दीदी। अब भैया सारा जिम्मेदारी चाचा चाची के दे दे रहे बाड़े। साँच कहा तनी दीदी, पहले हमने के लड़की के परखल जाई काहे कि चाचा चाची के भरोसा हमने के नहीं कर सकत जा। मीता का कहल जाए? रिमझिम सही कहत बिया, हमने के भाई का बिया भाभी अपना ननद के भावे के चाहिए। लेकिन ये होई कैसे? भैया तो चाचा चाची के हमने के साथे लड़की के घरे भेज रहे बाड़े तो ओसे का हो गई। चाचा चाची के आपन काम करेदा, हमने आपन काम अपना तरीके से ही कर जाए। फोटो में देखे में कितना सुंदर लग रहा है, वैसे तो कितना करिया भी आना। साँच कहे था हे भगवान, हमने के संग तो बहुत बड़ धोखा हो गई। जाए दे, गोर हो चाहे करिया, वैसे थोड़ा अलग दिख रहा है। दीदी दीदी हमने के बहुत बड़ गलत फहमी हो गई रहला। यू लेकिन आ रहा लसिया हो दिखा। देर हो रहा है, घर जाए के बाद। ठीक बात सब, बाय बाय।
गुपचुपा ले भैया, तू ये लड़की के पहचाने लगा? हाँ, ये कंपाउंडर साहब के बिटिया है, इनका से कोनो काम हो का? देखा भैया, हम ही कॉलेज में ना नया नया आयल बानी, और ये लड़की ना हमरा से पैसा उधार ले ले भैया। जब से पैसा उधार ले लस ना, तब से हमरा से मिलते नहीं खे। का भैया, कहीं ये लड़की तुम्हारा से भी पैसा उधार नहीं खे ले लस ना? हमरा नहीं खे समझ में आवत बा, ये बात ऐसे तू कैसे कहत बारू? ये लड़की ऐसन वैसन बिल्कुल नहीं खे बानी, और हाँ, ये हमरा दुकान पर भी कभी कभार आवेनी, और ये केहू से उधार ले ले होखे? ये हम पहली बार सुनत बानी, और अबहिन तक तोहरे बात पे हमके विश्वास नहीं होत बा। कौनो बात नहीं भैया, धन्यवाद। भैया, तू हमरा के बता सके लगा कि लड़की कैसन बड़ी? माने हमरा मतलब बा, लड़की के चाल चलन कैसन बा? इनका चाल चलन और स्वभाव के बारे में जितना तारीफ कइल जाए कम बा, लेकिन तू के हौ और जासूसन जैसन इनका बारे में काहे पूछताछ करल बाड़ू? ये फोटो कहाँ से मिलल तोके? चला प्रिंसिपल साहब के लगे चला। ए रुका रुका, या पकड़ा, मतलब पकड़ा। चला दीनू भैया, फटाफट शुरू हो जा। अरे भाई, तहनी काहे हमें झमेले में फंसा तारू जा? दीनू भाई, भैया खातिर सुंदर और ठोक बजा के लड़की ढूंढे के भी जाना, हाँ? तो फिर बस अब शुरू हो जा। और सुना, थोड़े देर खातिर तू भुला जइया कि तू किराना के दुकान पे बैठ के ना चावल दाल बेचेला, ठीक बा? एकदम हीरो की तरह बन ठन के जइया। हाँ, ला पटापट लगावा और जा। सांच कहते नहीं भैया, तू एकदम रवि किशन हीरो नियर लागत रहा, एकदम रवि किशन नियर। अब जाना, देर मत करा। अरे जल्दी जा, अरे जाओ। भैया, केहू के पता खोज रहल बाड़ा का? ई का हा? हम तोरा से बहुत प्यार करेनी, ये लेटर में हम अपने दिल का सब हाल लिख देली, पढ़ के जवाब देही, और हाँ, पढ़ी कम और समझी ज्यादा। मतलब के पिटवा दलू ना? तैयार हो के आगे निकलवा लोगे? हाँ जीत बेटा, हमनी के जात है, तू चिंता मत करियो, हमनी के सब संभाल ले भैया। बाकी ये लड़कियन सब कहाँ पड़ी सन? अरे सीता। हाँ भैया। अरे जल्दी आओ लोगे भाई, लोग तैयार हो के आगे निकलवा। बस भैया आ गई नी। अब
अभी तक वह रिमझिमबा के मुन ना आए। चला चला अब जल्दी से फोन लगा दो, अम्मी के काम तक हो गई। घंटी जाता, जल्दी उठाओ दीदी। ला आगे फोन मत कर मत। हरित्वा बतावा कहाँ भाई। हाँ दीदी, अरे हमने के लड़की के सारा रिपोर्ट निकाल ले बानी। हाँ, अरे लड़की जितना सुंदर भी आना उसे बढ़िया तो कर करेक्टर बा। ठीक बा। अच्छा ठीक बा, चला हम थोड़ा से बाद में बात कर बानी। ठीक बा। भैया तू हमने के साथ चला ना, वो कहा है कि पहले हमने जाके लड़की के देखब, ओकरा बाद तू जाइबा। बार बार लड़की के परेशान कैला ठीक बात नहीं है, यही से तू हमने के साथ चल चला। एक ही बेर में फैसला भी हो जाए और उ लोग के बार बार परेशान भी ना होवे के पड़े। हाँ जीत बेटा ठीक कह रहा बड़ी, तू चल तो एक पल दू काज हो जाए, अब पसंद आईला पर बात पक्का हो जाए। हाँ भैया चलो ना। हाँ भैया मान जाना। अगर सब लोग ये राय बा तो ठीक बा, हम चलते नहीं तनी, अब आओ तनी तैयार होके। ठीक बा। तो रीता रिमझिम लो कहा बा। भैया वो तो नो तो कॉलेज कल बाड़ी सन। अच्छा हम आवता नहीं तैयार हो। नमस्ते नमस्ते कुमुद बहन, कैसन वानी? अरे बहुत बढ़िया वानी, रौरा कही कैसन वानी? बस बढ़िया बढ़िया, बहुत दिन से दुकान पर ना आई नहीं है। का कही आजकल इतना व्यस्तता बढ़ गई बा ना, कि पुन पुन आवल जाइल होखते नहीं खे। चली आई चली आई चला आवा भाई आवा लोगी बैठा जा बैठा बैठा पबनी सब बैठा बबुआ। अरे तू लोग भी बैठा ना बबुनी। का हाल बा, काम धंधा ठीक चल रहा बा कि ना? ये सब ऊपर वाला के कृपा बा, हमार काम तो अस्पताल में हमेशा ही लागल रहेला। हाँ भाई उहे सुई घोपे वाला। सुधा और इकलौती बेटी बाड़ी का ना भवनी, सुधा के अलावा हमरा दो को बच्चा और बा, एको लड़की और एको लड़का। एको और लड़की? अरे हाँ हाँ, लेकिन उन्हों ना सुधा से दो साल छोट भी है, और आजकल ना वो दोनों भाई बहन नानी घरे गई बाड़ा सन। अरे ली ना ली जरूर ली ही लना बबनी खा तू लला। हम सुधा के लेके आवत नहीं। हाँ हाँ ले ले आई। भगवान हर बलाई से बचाए हमारा बेटी के।
बाप रे कितना खूबसूरत लगत। माई ऐसन मौके पे कम से कम दीदी को तो बुला ले तो। हमरा ब्याह का बात होता और ऐसन घड़ी में हमरी दीदी एजा नहीं की। अरे उनका के भी बुला ले। अभी जल्दी कौन बा? आय अभी बातें चितना हो खता। उन ब्याह थोड़े हो खता। अब चलो जल्दी से। लड़का वाला लोग इंतजार करता। हमार बेटी सुधा। जी अपरा जी अपरा बैठा बैठा बैठा।